है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद नगर निगम से अतिक्रमण हटाओ टीम में शामिल रिटायर्ड फौजियों ने मुश्ताक बिल्डिंग पर अवैध रूप से सड़क किनारे रखे कई खोखे संचालकों से उक्त खोखे हटाने को कहा, जहां उनकी उन दुकानदारों से झड़प हो गई। जब टीम ने खोखे हटाने को कहा तो दुकानदारों का कहना रहा, अगर ये हटवा रहे हो तो सब हटवाओ। इसको लेकर काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। सपा पार्षद देश दीपक यादव भी पहुंच गए। आखिरकार दुकानदार अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने लगे, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। ये क्या है, ये पूरा ये मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है, ये दो दुकान है गोश्त रोटी की है, इसमें जो लोग रोटी खाने आई थी उसके पीछे हुई झगड़ा। झगड़ा के पीछे मतलब ये खाली हो रहा है और कोई बात नहीं है। कोई वो शिकायत करी है इन लोगों ने बस इसी के पीछे। किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा कोई एक मियाँ भाई था उसी से हो गया, उसी के पीछे हो रहा है ये। अब ये हड्डी बड्डी तो दो ही होटल तो खाली होना चाहिए, अब ये सब चाय वाले का वो खाली होना चाहिए। हवाई तकिया की जगह है, हमने जो चौड़ी जगह दी है। अरे क्या है ये पूरा मामला जो खोखे उठाया जा रहा है? मामला यहाँ पे किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे पल्ली साइड के रहने वाले लोग जो हैं, वो लोग ये चाहते हैं यहाँ से सारे जो होटल दुकानें हैं सारी बंद हो जाएं। रोड भी इतना है यहाँ पे चौड़ा जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। कम से कम बैठेगा 30 फुट रोड बैठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों की परेशानी, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी किसी के मामले में भी नहीं है। बस थोड़ी सी तू मैं हुई थी इन लोगों में, बस खाली उसकी वजह से इन लोगों ने कार्रवाई कर दी। ऊपर के यहाँ से लेकर मतलब पूरी सड़क खाली करवाई जाए। आज हमारे वार्ड नंबर 40 नंदराम चौक पर मुश्ताक बिल्डिंग पर, जो कि बहुत चौड़ी रोड है और जहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम रहता है, तो वहाँ कुछ मीट की दुकान है, कुछ चाय के खोखे लगे हुए थे, बमुश्किल 4 या 6 खोखे होंगे। तो आज यहाँ प्रवर्तन दल के लोग पहुँच गए और जबरदस्ती में तोड़फोड़ चालू करने लगे, तो इसका विरोध हमने क्षेत्रीय जनता के साथ आकर किया। उसके बाद फिर यहाँ कर्नल साहब ने हमको बुला लिया, यहाँ बैठ के बात हुई, तो मंदिर पास में तो मीट के खोखे तो हटने चाहिए, इसके हम भी पसदर हैं और मुस्लिम समाज के भाइयों ने पूरा सहयोग किया है और वो भी अपने स्वतः ही मन से उन्होंने खोखे हटा लिए हैं। लेकिन चाय का एक आध खोखा वहाँ रखा रहेगा जिससे गरीब आदमी की रोजी रोटी न जाए। और समाजवादी पार्टी के लोग वैसे ये पूरी इसकी खिलाफत करते हैं कि जिस तरीके से जनता के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके का आचरण जनता के साथ ना किया जाए। उनको कल शाम को एक धमकी दी गई कि सुबह तोड़ देंगे, उनको इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि सुबह आकर वो अपने आप हटा लेते हैं, सुबह आते ही जीसीबी चालू हो जाती है, तो ये गलत हो रहा है। अगर लोगों को कहना है ये शिवरात्रि आ रही है, 9 दुर्गा चालू होंगे, या फिर हड्डियाँ पड़ी रहती हैं रोडों पर जो वहाँ, ये आज की नहीं है, ये करीब कई वर्ष पुरानी 10-20 साल पुरानी बात है। लेकिन अभी वहाँ कुछ ऐसा है कि चुनावी जो चल रहा है गठजोड़, जो अभी पार्षदीय चुनाव हुए, तो एक पक्ष वहाँ चाहता है कि वहाँ ना लगे क्योंकि उन लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। ये केवल उसका खिलाफत कर रहे हैं, उसके चक्कर में लोगों की खिलाफत हो रही है। वहाँ कोई हड्डियाँ नहीं पड़ी होती क्योंकि वहाँ पक्का मीट बनता है, बिरयानी टाइप की बनती है, उसके लिए वहाँ डस्टबिन सब व्यवस्था है। तो ये तो केवल चुनाव के चक्कर में लोगों का शोषण किया है।